अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल दही बड़े। मैंने लिया है आधा लीटर दही। दही को अच्छे से फेंट ले। मैंने मिलाया है एक गिलास पानी। अब इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया और पुदीना, आधी हरी मिर्च को कट कर लिया है मैंने, और एक चम्मच नमक। अब हम दही को बघार लेंगे और मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत लाल मिर्च, एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच राया। अब मैं डालूंगी कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हल्दी। इस बघार को दही में मिला ले। हमारा दही बनकर तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिला ले। अब हम भजिया बनाने के लिए लेंगे 2 कप बेसन। इसमें लेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा ना मिलाए क्योंकि पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहे और मिक्स करते जाए। आप हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे तो बहुत फास्ट करें, एक ही डायरेक्शन में करें। मैं यह इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर, उससे काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स करने से एयर फॉर्म हो जाएगी और हमारे भजिए सॉफ्ट बनेंगे। तो इसमें सोडे की भी ज़रूरत ना पड़ेगी। इस बेसन के मिक्सचर को टेस्ट करने के लिए एक बॉल में पानी ले ले। मैं इस बेसन को थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ। अगर ये ऊपर इस तरह से फ्लोट हो रहा है तो ये परफेक्ट भजिया बनेंगे। बेसन का मिक्सचर परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे तलेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल ले और उसे अच्छे से गरम कर ले। ध्यान रहे तेल ज़्यादा गर्म ना रहे। भजियों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ये अच्छे से पकेंगे अंदर तक। भजिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए भजिया कितने सॉफ्ट बने हैं बिना सोडे के। अब ये फ्राई करे हुए भजियों को मैंने पानी में डाला है क्योंकि इससे एक्सेस ऑयल भी निकल जाएगा और भजिया सॉफ्ट हो जाएंगे।
भजियों को हल्के हाथों से दबाएं ताकि उसमें का पानी निकल जाए और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप इस तरीके से दही बड़े बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे, भजिया घट नहीं होंगे ना ही पतले बनेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लीजिए, बनकर तैयार है दही बड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Ramadan, Ramadan.